अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक नया व्लॉग। यार रात में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। तो स्वागत है भाई लोग आपका। ये देख सकते हो ये गाड़ी को ठोका है और वो जो गाड़ी दिख रही है ना वो गाड़ी को ठोका। एक लड़की गाड़ी चला रही थी, इधर से आई और तीनों गाड़ियों को ठोक दिया भाई आराम से। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि अब्दुल्ला के पिताश्री जो है जिद्दा से यानी मक्का से उमरा करके जो है वो आ रहे हैं, तो उनको लाने जाना पड़ेगा जाहिर सी बात है। यार मैं वो माउंट भूल गया फिर से। मैं रात में जो शहरी किया था वो शहरी बहुत गड़बड़ में हुआ था, क्योंकि मैकडोनल्ड्स, यार मैकडोनल्ड्स बर्गर से क्या शहरी होती है, सही बिल्कुल भी शहरी सही नहीं होती है। ये बैठ गया जी अपना माउंट। धूप तो एकदम भैया कड़क वाली धूप है। चलते हैं, एक लोकेशन आया है वहाँ से पहले कुछ सामान लेना है, उसके बाद एयरपोर्ट चलना है। और हमारे जो ऑफिस साहब है वो उमरा करके आ गए हैं माशाल्लाह, तो अब हमारी बारी है जाने की। तो इस वीडियो में हम जिद्दा भी निकलेंगे इंशाल्लाह, हो सकता है 4 बजे निकले, 5 बजे निकले या मगरिब के बाद निकले, जो भी हो निकलना है गाड़ी और मैं ही चलाना पड़ेगा पूरा जिद्दा तक या मक्का तक इंशाल्लाह। अभी चलते हैं इधर। तो अभी मैं हूँ भैया 2 नंबर एग्जिट वाली रोड पे, प्रिंस तुर्की बिन अब्दुल अजीज, ऐसे ही बोला है ना। ओके, डिजिटल सिटी जो है ना, डिजिटल सिटी आप देखे होंगे तो ये इसी रोड पे है। ये जो देख रहे हैं ना मुरब्बात, तो वो यहीं पे है। हमारे कफील भी भाई इधर ही काम करते हैं, उसी में पता नहीं कहाँ पर है उनका ऑफिस। ओके, شمسميه متر ندخل على اليمين और जो यू वॉक करके जो बनाया हुआ है ना वो भी इसी रोड पे है, जो पैदल चलने के लिए बनाया है माशाल्लाह यू वॉक। अरे भाई साहब इनका घर कहाँ पर है, मैं तो लोकेशन पे जा रहा हूँ, यू टर्न करने के बाद राइट साइड बता रहा है। तो नहीं आ रहा है भाई साहब, आपने लोकेशन दिया कहाँ का यार। खैर खराब, टर्न राइट ऑन अल्टानम देन योर डेस्टिनेशन विल बी ऑन द लेफ्ट। अरे रे 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 रुक रे भाई साहब, शिट। इन 200 मीटर्स टर्न राइट ऑन टू वादी अल माया। वादी अल माया ये सामने ही है भाई, जो आप ब्लू वर्ल्ड सिटी, ब्लू वर्ल्ड डिजिटल सिटी जिसको बोलते हैं यहाँ रियाद में, वो यही है। ये सामने जो दिख रही है ना, अभी मैं पता नहीं मेरे को वहीं का लोकेशन बता रही है, वहीं पे जा रही है, क्या हो रहा है मेरे को तो मालूम नहीं पड़ रहा है। लोकेशन कभी कभी घुमा देता है। ओके, टाइम टू लर्न एंड फन एंड किड्स सेंटर। ओके, इसके अंदर जाएंगे ना तो भैया मजा ही मजा आएगा। रियाद यानी सऊदी तुमको पूरा बदला हुआ नजर आएगा इसके अंदर। हमारे कफील साहब का जो ड्यूटी है ना वो इसी में, कफील का जो ड्यूटी है ना वो इसी के अंदर है, पता नहीं कहाँ है वो ऑफिस, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। खैर मैं जो लोकेशन पे आया हूँ वो यहाँ पे, ये CITC का ऑफिस है, ये यानी जो साइबर क्राइम जो होता है ना, CITC साइबर इंटेलिजेंस, वो ऑफिस है ये, टेलीकॉम कंपनी पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। अभी मैं जो लोकेशन पे आना था वो लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस फिर यहाँ से चलेंगे एयरपोर्ट। Your destination is on the right. ये देख रहे हो, ये है CITC का ऑफिस। कोई भी अगर आपको क्या बोलते हैं यार सिम वगैरह में या कोई गड़बड़ करेगा ना तो इनसे सीधा कंप्लेंट करेंगे तो सब पता चल जाएगा। चलो भाई को कॉल करते हैं आखिर क्या सामान रखा हो यहाँ पर। तो भैया 1 घंटा यहाँ ठहरने के बाद में मेरे को सामान मिला है हाथ में। 1 घंटा इंतजार किया, जब भी लोकेशन भेजते हैं ना तो सही भेजना चाहिए घर के नंबर के साथ में, तो भाई साहब ने नंबर सही नहीं भेजा था, इसीलिए मेरे को थोड़ा मुश्किल हो गया सामान लेने में। अभी मेरे को गाड़ी यहीं से घुमाना पड़ेगा।
अभी वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, बोलते हैं जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं कैसे करूं यार, यही वाले भाई साहब ने सामान ला के दिया है घर के अंदर से। मैं इन्हीं के रूम के सामने ही ठहरा था, लेकिन मेरे को पता नहीं कि वही घर से सामान लेना है। अभी मैं यहाँ से करता हूँ यू टर्न, CITC ऑफिस रियाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट का मैं टाइम दिया हूँ यहाँ से, लेकिन 15 मिनट नहीं ज्यादा लगेगा टाइम, 28 मिनट बता रहे हैं। रुक के रहने तो मैं क्या करूँ, लोकेशन गलत देंगे तो ऐसे ही होगा, लोकेशन सही देना चाहिए ना। ओए यार, इन लोगों के पास सबर नाम की चीज नहीं होती। एक तो काम तो लगाते ही है, फिर भी और गड़बड़ करते रहते हैं कि भाई जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं कैसे पहुंचूं यार, यहाँ से 28 मिनट बता रहा है एयरपोर्ट जाने के लिए, सामने देखे तो एकदम ट्रैफिक जाम है, जीरो की स्पीड में गाड़ी चल रही है। तो मैं करूं तो करूं क्या, अब कैसे पहुंचूं एयरपोर्ट? क्या मैं इसको पंखे लगा लूं? इनको कौन समझाएगा, कौन समझाएगा इनको? आप लोग समझा पाओगे? बोलो यार, कौन कौन समझाते? आप में से कोई समझाता है सऊदी में जो काम करता है? अपने कफील को एक्सप्लेन करता है? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, करते हो क्या? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे यार। चलो, रोड का टाइम लैप्स जो है हम इंजॉय करते हैं, ठीक है ना? टाइम लैप्स लगाएंगे, सीधा मारेंगे एयरपोर्ट रोड को, तो देखो कितनी फास्ट में हम पहुंच जाएंगे, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे यहाँ। 28 आज मेरे को लगता है भाई कफील तो पक्का गुस्सा होने वाले हैं, आज कफील गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो रास्ते पे आया हूँ ना, ये रास्ता बहुत गलत रास्ते पे मैं आ गया हूँ। मैं जाना चाहिए थे मलिक सलमान रोड पे, अभी मैं आ गया हूँ ममलका हॉस्पिटल जहाँ है ना तुमामा रोड, वो तुमामा वाली रोड पे, क्योंकि मेरे को लोकेशन लेके आया यहाँ से 18 मिनट बता रहा एयरपोर्ट। वो लोगों को सब्र नहीं है यार, वो एयरपोर्ट में आकर के बैठ गए, मैं क्या करूँ अब? मैं तो देखो ट्रैफिक में अटक गया, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, बातें सुनना पड़ेगा आज। और ये जो सामने आपको हॉस्पिटल दिख रहा है ना बड़ा वाला, ये ममलका हॉस्पिटल है, इसको ममलका हॉस्पिटल बोलते हैं, ममलका हॉस्पिटल। और ये जो अब इसके सामने वाली जो रोड जा रही है, जो गाड़ी जा रही है ना, वो 5 नंबर एग्जिट वाली रोड है, किंग अब्दुल अजीज रोड। चलो भाई, चलो यार, लेट नहीं होने का यार, चलो। अरे चल मेरे भाई, चल माफी खौफ, ये जी मुखालफ है, मुश्किल है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट रियाद, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डोमेस्टिक एयरपोर्ट, यानी सऊदी लोकल में जो चलता है ना वो वाला एयरपोर्ट, क्योंकि ये लोग जिद्दा से आए हैं तो लोकल ही रहेगा डोमेस्टिक। 5 नंबर गेट पे खड़े हुए हैं भाई, आधा घंटा खड़ा कर दिया इनको मैं, आधा घंटा खड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो टैक्सी करके जाओ, ऐसे रहेगा, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रहता है ना। डोमेस्टिक फ्लाइट्स, फ्लाइनास, सऊदी एयरलाइंस फ्लाई डील्स, माशाल्लाह। तो ये हो गई जी हमारी एंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, फ्लाइनास आइए, खमसा रकम खमसा। हेलो, यानी बात हाँ था बस इंता खमसा है ना गिद्दाम। तो भाई लोग, 6:30 बजे रियाद से निकले, 9:30 बजे तकरीबन हम रुके यहाँ पर, जगह का नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पर नमाज पढ़ना है। ये अपनी गाड़ी है, पीछे मस्जिद है, कितना किलोमीटर है वो भी नहीं मालूम, कफील साथ में, इसलिए ना वीडियो बना सक रहा हूँ ना कुछ कर सक रहा हूँ मैं। तो जा कर के नमाज पढ़ते हैं, चलेंगे सीढ़ों से जिद्दा।
मेरे को फुल नींद आ रही है भाई। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं जिद्दा। जिद्दा में हूं अभी। जिद्दा से फिर मदीना जाना, मदीना से फिर वापस मक्का आना। घूमना बहुत ज़्यादा है अभी। यहां पर जो है ना, जो सामान है वो अनलोड करेंगे गाड़ी से, उसके बाद जो है सहूर करके सो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं यार, दूसरा वीडियो नया शुरू करेंगे, फिर चलते हैं मदीना इंशाल्लाह, मदीना मुनव्वरा। चलिए माँ सलामा, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम जिद्दा।